बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन और यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इस बार बालिकाओं ने कमाल कर दिया। हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये सीतापुर का महमूदाबाद का जो सीता इंटर कॉलेज है वहां पर इस समय मौजूदगी है हमारी, और जो हमारे साथ मौजूद हैं वो प्रियांशी सोनी हैं जो हाई स्कूल में आपने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है और जो बच्ची है जो होनहार बच्ची है उसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं रमेश वाजपेयी जी जो हमेशा से अच्छा रिजल्ट देते आए हैं। लेकिन ये शायद इतिहास रच गया जब सीतापुर की बच्ची ने उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में पहला स्थान हासिल किया। पहले तो प्रियांशी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहेंगी इस सफलता के लिए? सर मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमको और अपनी सफलता का मतलब कहना चाहते हैं श्रेय है तो अपनी फैमिली को और अपने कॉलेज को देना चाहेंगे जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। अगर शायद सपोर्ट ना मिलता तो शायद मैं ना कर पाती है। बहुत बहुत थैंक यू मेरे कॉलेज को भी और मेरे घर को भी। कितनी देर आप जरा बताइए कितनी देर पढ़ाई करती थी, स्कूल से आपको क्या सुविधाएं मिलती थी, परिवार वाले आपके कैसे सपोर्ट करते थे, पूरी बात बताइए। से कॉलेज में तो मतलब बहुत ज्यादा हम लोग को व्यवस्था दी गई थी पढ़ाई की, मतलब कोई भी कमी नहीं हो पाती थी। हम लोग आते थे यहाँ पे मॉर्निंग टेस्ट की भी व्यवस्था की गई थी जिससे कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाता था, हम लोग का तैयारी हो जाती थी। बाकी यहाँ पे पूरी मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाई जाती थी जिसके थ्रू हमें एक्स्ट्रा मतलब पढ़ने को मिल जाता था, कोचिंग नहीं करनी पड़ी। और साथ ही यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन क्लासेस भी दी कि हाँ हम लोग को डरना नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट है बोर्ड का लेकिन कर सकते हो। क्या माहौल है यहाँ का, जैसे और जगह आप स्कूल देखती होंगी यहाँ पर कैसे पढ़ाते हैं शिक्षक लोग? हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि जो टॉप 10 की जिले की सूची आती है या प्रदेश की सूची आती है उसमें भी ये कॉलेज के बच्चे स्थान पाते थे। अभी तक उनका स्थान छठे नंबर पर होता था, सातवें नंबर पर होता था, लेकिन आप पहले स्थान पर आई यूपी में, तो कैसा माहौल है यहाँ पर? मतलब सर यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इस एरिया का पूरा कह सकते हैं बेस्ट कॉलेज अपना है, सीतापुर का कह सकते हो, यूपी का कह सकते हो, बेस्ट कॉलेज है अपना। यहाँ पे पूरी मतलब बच्चों को कोई कमी नहीं रहती है कि कोई भी टीचर्स की इतने सारे एक सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स भी हैं यहाँ पे कि कोई भी बच्चों को डाउट नहीं रहता है, कुछ भी पूछना है आराम से पूछ सकते हो। पूरी हम लोगों को मतलब पूरी छूट रहती है, चाहे जैसे पढ़ो पूरा टीचर्स का रहता है यहाँ पे सपोर्ट। क्या बनना चाहेंगी? सर आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, आपके पिता कितने साल में आपको छोड़ के चले गए? सर हम 9 इयर्स ओल्ड थे। तो कभी याद आती होगी, किसने साथ दिया, पिता की कमी को किसने पूरा किया? मेरे बड़े भाई जी ने मतलब बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट किया उन्होंने, ऐसे पढ़ाई पढ़ाने में भी कोई वो नहीं रखा सर, और हमेशा मुझे मतलब कहते थे कि अच्छे से तुम कर सकते हो। बहुत सपोर्ट किया भाई ने मुझे और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, भाभी भी हैं फैमिली में। अच्छा, स्कूल में आज सम्मान पाकर आपको कैसा लगा? एक जिले के अफसर DIOS दौड़े दौड़े चले आए स्कूल में, बहुत सारे मेधावियों को सब जो है बधाई देने पहुंच गए, आपको भी बधाई दिया, कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी बधाई दिया, शिक्षकों को भी बधाई दिया, आपने तो सबका नाम ऊंचा कर दिया। सब बहुत खुशी हो रही है कि हाँ मतलब मैंने ये करके दिखा दिया, थोड़ा मतलब बहुत खुशी अंदर से हो रही है। तो देखिए ये खुशी तो जाहिर तौर पर होगी, जब प्रदेश में पहला स्थान आएगा तो निश्चित तौर पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो प्रिंसिपल जिन्होंने गढ़ने का काम किया, जिन्होंने आज सीतापुर को पूरे प्रदेश में नाम कमाया और नाम पहचान कराई है कि सीतापुर के बच्चे भी प्रदेश की सूची में पहला स्थान हासिल कर सकते हैं, ऐसे प्रिंसिपल कॉलेज के रमेश वाजपेयी जी आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बच्ची जो पहला स्थान आई है इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने आज कीर्तिमान यहाँ कायम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ, बहुत परिश्रम किया गया, टीचर्स ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने बहुत मेहनत की और इस बार जो परीक्षा की तैयारी है वो हम लोगों ने अपने सुपरविजन में 3 महीने बच्चों के जो टेस्ट हैं कैसे बोर्ड में लिखना है कैसे साल करना है इस पर पूरा फोकस किया गया और 1 लाख रुपये का भी चेक दिया गया है। और जितने बच्चे मैंने 9 बच्चे हैं यूपी बोर्ड की मेरिट में और टॉप 10 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, इन बच्चों की पूरी फीस हाई उसमें फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में माफ आएगी।
नौ बच्चे आपके यहाँ से आए हैं इंटर में, और हाई स्कूल में कितने कितने बच्चे हैं? चार हाई स्कूल में है, पांच। आगे क्या कामना करते हैं? अभी तो आपका एक बच्चा आया है तो इतनी धूम है, और जब और बच्चे मान लीजिए स्थान पाते हैं तो कैसी धूम रहेगी? हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का शायद पहला कॉलेज ऐसी कॉलेज जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में और इतने ज्यादा संख्या में पुरस्कार मिलते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, उसको बखूबी निभाते हैं। हमने हर टेस्ट पर इन बच्चों ने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए, हर टेस्ट पर उनको प्रश्न किया, और आगे भी इस कार्य को करते रहेंगे। देखिए आगे भी कार्य करते रहेंगे, चूंकि आज जो है बच्चों को इनाम स्वरूप 1,00,000 रुपए की चेक भी दी है। डीआईओएस राजेंद्र सिंह खुद पहुंचे थे विद्यालय में, और विद्यालय में जश्न जैसा माहौल है। यहीं उनके माता पिता भी हैं और यहीं सारे मीडियाकर्मी भी आज जुटे हुए हैं। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।